सिलेबस केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन थ्री का पार्ट थ्री ना जी थ्री हम देखो सबसे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हमको पढ़ाते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा याद करेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद से पढ़ेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल का दोष। ठीक है, आज के दिन हमें इतनी पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री के अंतर्गत। पहले आपके होगा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन या रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रयोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दोष। चौथा हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल की दोष। आज तक इतना पढ़ाई रहा। हम लोग नौ में जब होंगे तो ये सारा चीज़ जिक्र किए होंगे। आज 11 में जिक्र कर रहे हैं, फिर फिजिक्स में आप जाइएगा तो 12 में जिक्र करेगा। देखो 12 के फिजिक्स में मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि रदरफोर्ड ने किया, कहा कैसे प्रयोग उसने किया। तो सोना का एक बहुत पतला परत लिया, सोना का, क्योंकि सोना एक ऐसा धातु है जिसमें पतला से पतला आप परत को बना सकते हैं। तो उसने बहुत सोना का पतली परत लिया। उसके बाद से उस पर अल्फा कणों की बमबारी किया, उसने बमबारी के मतलब अल्फा कण को उसके ऊपर डाला। तो जब डाला तो उसने देखा कि अधिकतर माने 20,000 अल्फा कणों का प्रयोग किया, तो उसने देखा कि 19,999 अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कि आर पार निकल जाते हैं। हालांकि कुछ सीधा निकल गए, कुछ दूरी पर जाके घूम करके निकले, लेकिन सब निकल गए। और उस 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो नाभिक से टकरा करके वापस लौट गया। माने पूरे 20,000 में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो नाभिक से टकरा करके माने एक धनावेशी पदार्थ से टकरा के वापस लौटा, और जहाँ से वह वापस लौटा उसका नाम उसने नाभिक रख दिया। किसने रख दिया? रदरफोर्ड ने। जहाँ से वह अल्फा कण टकरा करके वापस लौटा उसका नाम उसने नाभिक रख दिया। और उसने कहा कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग के द्वारा कर दिया। 1911 में उसने नाभिक का खोज किया था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न आता है कि नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये पूछा जाता है। और भी पूछा जाता है कि नाभिक का जब खोज हुआ तो उस समय कौन से किस प्रयोग से खोज हुआ था, तो अल्फा कण के प्रयोग से नाभिक का खोज हुआ था। उसके बाद से कुछ और बातें आपको बताई गई है कि अल्फा कण का जब प्रयोग हुआ तो नाभिक की खोज हुई, तो वह कौन सी सन थी, 1911 में इसने खोज की। ये रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग है। उसने बहुत सारा बात कहा कि जो परमाणु होते हैं उसमें बहुत अधिक खाली स्थान होते हैं जिससे अल्फा कण बाहर निकल जा रही थी। हालांकि एक अल्फा कण ऐसा था जो उसके नाभिक से टकरा करके वापस लौटा, लेकिन बहुत कम जगह होता है जिसको हम लोग उसने नाभिक कहते हैं। उसके बाद से उसने कहा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि कुछ परमाणु मॉडल लिया था, पहला ही कहा था कि जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं। दूसरा उसने कहा था कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तीसरा ये कहते हैं कि परमाणु में जो धनावेशित कणों की संख्या होती है ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होती है।
चौथा उसने कहा था कि परमाणु में नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होते हैं और उन खाली स्थानों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। सब टॉमसन रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में कहा, ठीक है। तब आते हैं और इसकी कमी क्या थी ना, इसकी कमी ये थी कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गति करते उसका वेग कितना होता है, इसके बारे में नहीं बताए थे। और जो परमाणु होते हैं, परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम मतलब जो रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं, इसके बारे में वो अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं करते। और टॉमसन बाबा के तो परमाणु मॉडल बहुत पहले से याद है, सबसे पहले परमाणु मॉडल यही दिए थे टॉमसन बाबा, याद है आपको टॉमसन का परमाणु मॉडल? अरे वही भी तरबुजा वाला परमाणु, तो सही कहा था कि टॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, गोलाकार होते हैं, परमाणु के अंदर समस्त मन परमाणु जो होते हैं उसके अंदर पूरा धनावेशित पदार्थ भरा होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूजा में क्या होता है बीज जाता है, इसी को हम लोग तरबूजा का मॉडल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरबूजा का मॉडल भी कहते हैं। कमी भी रही, इलेक्ट्रॉन कितने गहरे धसे रहते हैं इसके बारे में टॉमसन अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए। कुछ बात समझे, अब हम लोग लिखते हैं, लिखो हेडिंग में रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रयोग। रदरफोर्ड के अल्फा, चलो पहले छोटा कुछ टाइप लिख लो अल्फा, तब अल्फा बना लेगा कण का प्रयोग। रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रयोग वो कैसे प्रयोग किए थे ना, पहले हम आपको चित्र बनाते हैं तब लिखना। सोना का बहुत पतली परत उसने लिया, ये देखो काम लोग सोना को छोड़कर किसी अन्य धातु पर ये प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोना का बहुत पतला परत बना सकते हैं, किसी अन्य का नहीं बना सकते। तो उसने सोना का बहुत पतला परत लिया, उसके बाद से इस पर अल्फा कणों की बमबारी किया, किसका अल्फा कणों की उसने बमबारी किया। देखो तो देखा उसने कि अधिकतर अल्फा कण जो थे सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण आगे जाने के बाद ऐसे घूम के निकले, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं कुछ सीधा निकल गए, ये भी सीधा निकल गए, ये भी सीधा निकल गए, कुछ ऐसे घूम गए, लेकिन एक अल्फा कण ऐसा था जो टकरा करके वापस लौटा, जिसका उसने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। लेकिन उसने एक बात जरूर कहा कि नाभिक जो होता है बहुत कम जगह पर रहता है, ज़्यादा जगह पर नहीं होता, परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो वह कम जगह पर आता है। तो ये प्रश्न आता है कि नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, क्या कहोगे, रदरफोर्ड ने, किसका सन में किया था, 1911 में, हाँ किस प्रयोग के द्वारा किया था, जब उसने अल्फा कण की बमबारी करे थे, अभी सब ये अल्फा कण जितने देखे वहाँ समझ रहे हो, तो लिख लो सर्वप्रथम सन 1911 में, 1911 में रदरफोर्ड ने सोने का एक पतला प्लेट लेकर उस पर अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों की बमबारी की, तो उसने देखा कि अधिकतर अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि परमाणु में अधिकतर खाली स्थान पाए जाते हैं, परमाणु में अधिकतर खाली स्थान पाए जाते हैं, परमाणु में अधिकतर कहाँ होते हैं, काले स्थान पर, जबकि आगे लिखना, जबकि 20,000
अल्फा कणों के बमबारी के बाद केवल एक अल्फा कण टकरा करके वापस लौटा। जहाँ से वापस लौटा, जहाँ से वह वापस लौटा, उसे उसने नाभिक नाम दिया, नाम दिया अर्थात परमाणु का धनावेशित भाग छोटे से केंद्र में स्थित है। लिख लो, अच्छा ऊपर वाला तो लिख लियो ना, सारा चीज याद कर लेना, मिटा है चित्र। हाँ आगे लिखना, इस प्रकार रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रयोग से नाभिक का खोज कर लिया, नाभिक का खोज कर लिया, इसलिए इसे नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता, नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। आप जरूरी याद रखेंगे ये मॉडल, ये परमाणु मॉडल जिसने रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रयोग के द्वारा बताया, उसने कहा कि जब हम लोग अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर अल्फा किरणें जो होती है सीधी निकल जाती है, और क्योंकि परमाणु में अधिकांश खाली स्थान होते हैं, परमाणु के मात्र बहुत कम धनावेश जगह घिरे रहते हैं, ये सब आप बता सकते हैं। इस परमाणु मॉडल से थॉमसन ने बहुत सारी बातें बताई, आज इसी बातों को हम लोग को जिक्र करना। क्या क्या बात बताए थे बता दे सब? नहीं, उसने नाभिक के आकार के बारे में बताया, नाभिक के आकार, कहा कि अधिकतर जो नाभिक होते हैं उसका आकार गोलाकार होता है, हालांकि भिन्न भिन्न परमाणुओं में नाभिक भिन्न भिन्न होता है, लेकिन लिखना रदरफोर्ड ने बताया कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। उसने कहा, उसने बताया कि अधिकतर परमाणु के नाभिक गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10^-15 मीटर होती है, नाभिक की त्रिज्या लगभग
10^15 मीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10^-10 मीटर है। सब आपको याद होना चाहिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम क्या क्या बता सकते हैं? देखो, पहला बात हम ये बता दें इधर चित्र के माध्यम से कि रदरफोर्ड ने कहा था परमाणु गोलाकार होते हैं, उदासीन होते हैं, परमाणु के नाभिक धनावेशित होता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित कणों की संख्या और धनावेशित कणों की संख्या आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसको किसने बताया? रदरफोर्ड ने। लिखो, देखना यहाँ पर लिख लो एक शब्द, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग के बाद अपना मॉडल प्रस्तुत किया, अपना मॉडल का किया भैया प्रस्तुत किया। पहला क्या कहे थे? देखो, पहला ही कहे थे कि परमाणु जो होते हैं गोलाकार उदासीन कण होते हैं, अति सूक्ष्म गोलाकार, मैंने इसको आंखों से नहीं देख सकते, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार और उदासीन, सब याद होना चाहिए। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार और कैसे होते हैं? अच्छा, उदासीन को तो जानते हैं ना, मान जितना धन व्यसित कणों की संख्या होगी उतना ऋण व्यसित की होगी, वही कहते हैं परमाणु गोलाकार माने गोल होते हैं। ये तो कोई देखा नहीं है, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक ने सूक्ष्म देखा था तो वो कहते कि परमाणु गोलाकार होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म का मतलब होता है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तब परमाणु क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होते हैं और कैसा होता है? उदासीन, उदासीन मान जाना ना, धनावेश ऋणावेश बराबर। और दूसरा क्या कहे थे कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान, द्रव्यमान जानते हैं ना किसे कहते हैं, उसके छोटे से भाग में, छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके छोटे से केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। तिसारका क्या कहते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गति करते रहते, गति करते रहते। चौथा ही कहते कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु में जितना धनावेशित कणों की संख्या होती है उतना ऋणावेशित, परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या तथा ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या क्या होती है? बराबर, ये हम लोग बता सकते हैं, धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या के। पांचवा लिख देना, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से माने एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है
जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का करता है उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलता है। सभी चीज आप समझ जाइए, परमाणु है, धनावेशित कणों की संख्या, इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षा से कूद के दूसरे कक्षा में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब होता है कि ऊर्जा का क्या करता है, बाहर निकलता है। कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन। जब एक कक्षक से कूद करके दूसरे कक्षक में जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऊर्जा को बाहर निकालता है। इसी को उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है ऊर्जा को बाहर निकालना। एक अवशोषण होता है, अवशोषण याद है ना, ऊर्जा को ग्रहण करना। जैसे कहा होता है ना कि हम लोग जब कुछ खाते हैं ठंडा पदार्थ, मान लो बर्फ़ खाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, उसमें खींचता है। खूब गर्म चीज़ खाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसमें बाहर निकलता है। मैंने रजापुर के परमाणु में डाला, अगर इसमें से तीन भी लिख देंगे तो पाँच छः सकता है, चार लिखेंगे तो और ही अच्छा काम चलता है, पाँचों लिखेंगे तो और अच्छा काम चलता है। याद होगा, याद हो गया। अब एक हेडिंग बना लो, रजापुर के परमाणु मॉडल की दोष। देखो दोष में क्या कहते हैं बता देता हूं पहले। जैसे रजापुर ने ये कहा था कि जो परमाणु होते हैं नाभिक के चारों खाली कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताए थे कि किन कक्षाओं में पाया जाता है। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जब इसका अध्ययन किए तो देखे कि कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुछ कक्षाओं में नहीं पाए जाते। और दूसरा ई कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो इसके बारे में भी अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं करता। दो चार कमी था इसमें आप देख सकते, लेकिन रजापुर की परमाणु मॉडल की कमी थी। चलो तो आज का हेडिंग है रडार के परमाणु मॉडल की कमी। का कमी था? देखो पहला कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और किन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। नाभिक के चारों ओर स्थित खाली कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। ये पहला था ना, व्याख्या नहीं कर पाया और सफल हो गए। वैज्ञानिकों ने कहा कि आपका परमाणु मॉडल गलत है, आज सही है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए। सिद्ध नहीं कर पाए, जब इनकी कमी रह गई थी भाई। जो आप नियम दे रहे हैं वो नियम एकदम प्रूफ होना चाहिए, वो नियम सही होना चाहिए, वो नियम हर जगह लागू भी होना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है, एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और कितना करता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। और कितना करता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। अभी इनकी कमी रह गई कि ऊर्जा का उत्सर्जन का वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। ये कमी दो चार को बाद जो आप याद रखेंगे, रजापुर के परमाणु मॉडल की कमी अगर कोई आपसे पूछता है तो सब। और भाई अगर आप कोई भी नियम बनाते हैं, अगर नियम का लोग सामने एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लोगों को साबित नहीं करेंगे कि जो हमने नियम बनाया है, अगर नियम आप प्रूव करके नहीं दिखाएंगे तो लोग उसको क्या मानेंगे, अधूरा नियम मानेंगे। प्रूव करके तो दिखाना पड़ेगा ना।
बहुत वैज्ञानिक ऐसे हुए जो नियम बनाए, प्रूफ नहीं करके दिखा पाए तो उसका नियम किताब में नहीं छपा। जिसने प्रूफ कर दिया, लोगों के सामने दिखा दिया, बच्चों के सामने दिखा दिया कि हमारा जो नियम है सही है, जैसे जब प्रूफ करके दिखा दिया, नियम जब सिद्ध हो गया तब उसने उसको किताब में क्या कर दिया, छाप दिया गया, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ तामसन का तो मालूम आ जाए। थॉमसन का परमाणु मॉडल। अच्छा, ये सारा मॉडल कल सुनाने वाले हैं आप लोग, रट लेना, ये सब रटने वाला चीज़ है। अरे सवाल लगाने वाला चीज़ अभी आया ही नहीं, मिटा दे इसको, आ जाओ। चांद के पार हम लोग चलते हैं, यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल के पास चलते हैं। थॉमसन का कितना जगह था, थॉमसन लिखता है, पहला वैज्ञानिक, सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसने 1904 ईस्वी में अपना मॉडल दिया। और वो कहे थे कि परमाणु जो होता है ना, धनावेशित और यावेशित करो, तुम बस ब्लैक होल पर देखो, उसको छोड़ दो, दिस इज नॉट फॉर यूजफुल व्हेन यू आर लुकिंग द ब्लैक होल, व्हेन यू आर सिटिंग इन द होम दैट यू आर लुकिंग इन द बुक एंड व्हाट इज अ लर्निंग एंड व्हाट इज अ थ्योरी ऑफ द थॉमसन, बिकॉज यू आर द ग्रेजुएट एंड वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ साइंस, व्हेन द टीचर ये टीचिंग इन द ब्लैक बोर्ड यू आर लुकिंग इन द ब्लैक बोर्ड एंड व्हाट इज सेइंग एंड व्हाट इज राइटिंग एंड लुक द ब्लैक बोर्ड। चलो, तो कहा गया था कि उसने ही कहा था कि जो परमाणु होते हैं गोलाकार होते हैं, क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। वो भी कहते हैं कि परमाणु जो होते हैं धनावेशित कणों और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, धनावेशित कण और इलेक्ट्रॉन से। मैंने ये बात तो एकदम क्लियर कह दिया कि धनावेशित पदार्थ और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। और फिर क्या कहे कि धनावेशित पदार्थ पूरा ये फैला रहता है इस तरीके से, हम कहेंगे बनाए ऐसे बना देते हैं। मैंने कहा दिया कि पूरा मान लो कि धनावेशित पदार्थ पूरा ये, मैंने दिखा दिए कि इस परमाणु के अंदर क्या होता है, फैला रहता है, चलो फैला है इस परमाणु के अंदर कौन पदार्थ है, पूरा धनावेशित पदार्थ। वो बताए कि परमाणु के अंदर क्या होता है, फैला रहता है, और क्या कहे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसा रहा, ये क्या धसा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन धसा। वो कहे कि इसके अंदर कौन धसा होता है, इलेक्ट्रॉन, और क्या कहे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धसा रहता है जैसे तरबूजा में क्या होता है, बीज धसा रहा, इसलिए इसको हम लोग तरबूजा मॉडल भी कहते हैं। अब बताओ फटाफट बोलो, अगर ये कोई पूछे आपसे तो बता सकते हैं कि थॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, अति सूक्ष्म होता है, परमाणु जो होता है धनावेशित द्रव्य और किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, पूरा धनावेशित द्रव्य परमाणु के अंदर फैला रहता है और इसके अंदर क्या धसा रहता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे धसा रहता है जैसे तरबूजा में बीज, तरबूजा देखते हो का, तरबूजा का है लाल में, अब तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अब शायद आम वगैरह आ गया तो जमा जाता, तो आम जो होता है मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ द इंडिया, जब आम आ जाता है सबसे अधिक आपको कोई मिलता है तो आमे मिलता है, 4-5 महीने तक खींच के खाइए, समझ रहे हो। चलो, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल कौन सन में दिए थे, 1904 ईस्वी में, 1904 में दिए थे। इसी कमी क्या थी परमाणु मॉडल की, कितने गहरे इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसके भी व्याख्या नहीं कर पाए थे, इनकी कमी थी। तो लिखते हैं, देखो सन 1904 ईस्वी में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। 1904 ईस्वी में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, लोगों के सामने दिखाया कि देखो परमाणु कैसे होता है। उसने कहा कि जो परमाणु होते हैं धनावेशित द्रव्य और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु, उसने ये बताया कि परमाणु धनावेशित द्रव्य और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे धस जाते हैं जैसे तरबूजा में
बीज धंसा जाता है। फिर उसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं जैसे तरबुज्जा में बीज धंसे रहते हैं, जैसे तरबूजा में क्या धंसा रहता है बीज, इसलिए इसे तरबुज्जा का मॉडल भी कहते हैं। तरबुज्जा छोड़ा तरबुज्जा का मॉडल भी कहते हैं। टपट पटापट और ऐसे 4 ईस्वी में पूछा जाता है कि जो जे थॉमसन थे अपना प्रयोग कब किए थे, किस सन में, सब अच्छे बताते हैं। 1904 ईस्वी में उसने कहा था कि जो परमाणु होता है धनावेश द्रव्य और इलेक्ट्रॉनों मिल करके बना होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु में से धंसे रहते हैं जैसे तरबूजा में भी धंसा होता है, इसलिए इसको हम लोग तरबूजा का मॉडल भी कहते हैं। 1904 ईस्वी में पहला परमाणु मॉडल आया था देने के लिए, सबसे पहला परमाणु मॉडल 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने दिया और बताया कि जो परमाणु होता है धनावेश द्रव्य और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, धनावेश द्रव्य पूरा फैला रहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं जैसे तरबूजा में क्या धंसा रहता है बीज धंसा रहता है। हो गया, लिखा गया सब लोग का, हमें मिटा जाए इसको। अब आज का लास्ट टॉपिक लिखते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष। थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष, अभी आपसे पूछा जाता है सब बता देते हैं। पहला ये था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं वह कितने गहरे धंसे रहते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाते। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने गहरे धंसे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने गहरे धंसे रहते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। ये फर्स्ट कमी था जे थॉमसन का कि इलेक्ट्रॉन कितने गहरे धंसे रहते थे, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। थोड़ा कि सेकेंड ही था परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। इस तरीके से ये केमिस्ट्री की पढ़ाई थी। ये रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल है देख रहे हैं, थॉमसन की परमाणु मॉडल भी देखे, कमी भी देखे हम लोग।